Hello student, welcome to the Brainstar classes. In this video, we are going to learn about class 10th exercise 17.7. अगर आपने 17.1 से लेकर के 6 तक के वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है मार्क्स ऑब्टेन बाई 100 स्टूडेंट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड देयर मीडियन। क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन कैलकुलेट करना है। अब मीडियन का एक मेथड अपन ने 17.6 में पढ़ लिया था, वहां पर क्या था अपने पास टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता था। अब यहाँ पे भी टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल के अंदर आपको क्वेश्चन गिवन है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसको लिख लेंगे और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे, यानी कि किसकी वैल्यू है, सी आई की वैल्यू है, क्लास इंटरवल शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। फ्रीक्वेंसी किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू है। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रखा है यहाँ पे, प्रिपेयरिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले अपन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल यानी कि सी एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और सी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करना मैंने आपको लास्ट वीडियो 17.6 में सिखाया था। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो सबसे पहले 6 को एज दिस लिख देंगे, डन। 6 में 20 ऐड करेंगे इस तरीके से, इसको इसमें ऐड करना है और यहाँ पर लिखना है कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब 26 में क्या ऐड करना है, 44 ऐड करना है इस तरीके से, इनको ऐड करेंगे तो 6 में 4 ऐड किया तो 10 आ जाएगा, ठीक है, कैरी 1 लग जाएगा। 2 में 4 ऐड किया तो 6 हो जाएगा और 1 कैरी का था कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 70 हो जाएगा। 70 में 26 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 96, और 96 में 3 ऐड करेंगे तो 99 हो जाएगा, और 99 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी ये किसकी वैल्यू है, ये एफ की वैल्यू है। और इसका समेशन करने पे कितना मिलता है अपने को, या तो अपन इसको समेशन एफ की फॉर्म में लिखते हैं या फिर आप इसको कैपिटल एन की फॉर्म में लिख सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा, वही आएगा जो अपने को यहाँ पर आंसर मिला है, कितना मिला है, 100। आप इसको ऐड भी कर सकते, देख सकते हो। देखो बताते हैं कैसे, यहाँ लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा हुआ है 44, कितना हो गया, 50 लिख दिया मैंने, 50। यहाँ लिखा हुआ है 26 में 3 ऐड करेंगे तो 29, और 1 कितना हो गया, 30 और ये 20 बचा हुआ है, ये भी कितना हो जाएगा, 50, और 50 और 50 कितना हो गया, 100, सही है। इसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पर हियर एन बाई टू, एन की वैल्यू कितनी मिली अपने को, 100। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू में, 100 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 50। यानी अपने को क्या करना है, 50 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखनी है, कहां पर देखनी है, सी एफ के अंदर देखनी है। तो कौन सी है 50 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू, 50 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कौन सी अपने पास में, ये रही कितनी, 70। इस वाले कॉलम को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबाउट 50, यानी कि जो अपने को आंसर मिला था n बाई 2 से, उससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखनी कहां पर, सी एफ में। इसमें सी एफ में देखनी कौन सी मिली, 70 मिली। इसको अपने क्लोज कर लिया इस वाले बॉक्स को, इस 70 कितना है, 70 है हूज करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, यानी उसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पर, 40 से 50 है, उसको यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि दस मीडियम क्लास कितना हो जाएगा अपने पास, 40 से 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अपने को फॉर्मूले में रिक्वायर्ड वैल्यू होगी उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, किस किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी अपने को, एल की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। एल किसको बोलते हैं, एल बोलते हैं यहाँ वाली वैल्यू को जो फर्स्ट में आता है, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसके बाद में अपने को रिक्वायर्ड होता है एफ, एफ ये रहा कितना है, 44। इसके बाद में रिक्वायर्ड होता है सी, सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सी की वैल्यू यहाँ से मिलती है जो अपने टेबल क्लोज करिए उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू सी बोलते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी यहाँ से, 26। और एक और वैल्यू रिक्वायर्ड होती है उसकी, उसका नाम बोल रहे हैं एच, यानी कि डिफरेंस कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 20, 30, 30, 40 इस तरीके से, तो डिफरेंस कितना है इनका, 10 है, तो यहाँ लिख लेंगे एच इक्वल टू 10। अब इसका फॉर्मूला लगा के इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब जब आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में टेबल गिवन होगी तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन का, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ये होता है अपने पास इसका फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू कितनी अपने पास में, एल की वैल्यू 40, तो यहां पे लिख देंगे 40 प्लस लिखा एन बाई टू, एन बाई टू यानी कितना है, 50, ये लिखा मैंने 50 माइनस सी की वैल्यू कितनी है यहां से अपने पास में, 26, 26 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितनी है, 44 इंटू एच, एच कितना है, डिफरेंस यानी कि 10 है। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, यहां से मिलेगा अपने को 40 प्लस 50 में से 26 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4, यहाँ पे बचा अपने पास में 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो
2 इंटू 10 अपॉन 44। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ मिलेगा अपने पास 40 प्लस ये 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों, कितने टाइम 12 अपॉन 22 टाइम, फिर वापस 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये हो जाएगा 6 टाइम और ये हो जाएगा 11 टाइम, यानी कैसे लिखेंगे इसको 40 प्लस 6 अपॉन 11 इंटू 10, 6 में 11 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितने मिलेगा अपने को 0.545 और इंटू कर रहे हैं किससे 10 से, इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 40 प्लस यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है इधर किससे करें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना देगा 5.45, दोनों को ऐड कर देंगे कितना जाएगा 45.45, इसका हो जाएगा मीडियन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड देयर मीडियन। आपको एक टेबल गिवन है, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे सी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं 4 एच दिस, 4 में 28 ऐड करेंगे तो 32, 32 में 42 ऐड करेंगे तो 74, 74 में 20 ऐड करेंगे तो 94, 94 में 6 ऐड करेंगे तो 100, यानी कि यहाँ से कैपिटल एल की वैल्यू इनका सम कितना मिलेगा 100 मिलेगा। क्या लिखेंगे इसके बाद, हियर n बाई टू, n बाई टू मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है n 100 है और डिवाइड बाई टू कितना मिलेगा ये 50। सी एफ जस्ट अबाउ, सी एफ यानी कि कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी, ये कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी देखनी किससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू 50 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू, 50 इज 74 कितना है यहाँ पे चेक करेंगे अपन कितनी बड़ी वैल्यू, ये वाली 74 इससे बड़ी वाली वैल्यू है। हूज करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, जिसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कितना है 20 से 30 है, ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल हो जाएगा 20 से 30 वाला। एल की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 20, ये रही। एफ की वैल्यू हो जाएगी 42, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये वाली 32 और एच की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ से मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, एल की वैल्यू 20 है, एन बाई टू की वैल्यू 50 थी, सी की वैल्यू 32 है और एच की वैल्यू कितनी है 10 और एफ की वैल्यू कितनी थी 42। सोल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर मिलेगा 4.29, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा इसका मीडियन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्या कैलकुलेट करना है मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए सी एफ कैलकुलेट कर लेंगे, 2 एज दिस, 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 10 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 17 ऐड करेंगे तो 35, 35 में 30 ऐड करेंगे 65, 65 में 15 ऐड करेंगे तो 80 और 80 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 90 और 90 में फिर 10 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 100। फिर क्या लिखेंगे, हियर एन बाई टू यानी कि 100 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 50, सी एफ जस्ट अबाउ 50 इज 65, 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसमें 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू अपने पास में ये वाली कितनी है 65 है, जिसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कितना है ये वाला 40 से 50 वाला, इसको ये क्लोज कर लेते हैं 40 से 50। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, एल की वैल्यू हो जाएगी 40, एफ की वैल्यू हो जाएगी 30 और सी की वैल्यू ये वाले फ्रीक्वेंसी के सॉरी सी एफ की जस्ट ऊपर वाली वैल्यू 35, एच की वैल्यू कितनी है 10, इन सभी में डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, वैल्यूज पुट करते हैं, एल की वैल्यू अपने पास में 40, एन बाई टू की वैल्यू अपने पास में 50 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 35 डिवाइड बाई एफ यानी कि 30 इंटू 10। सोल्व करते हैं इसको, क्या लिखेंगे आगे 40 प्लस, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचेगा 50 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 15 अपॉन 3 इंटू 1, ठीक है कितना जाएगा 40 प्लस 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना जाएगा मेरे पास में 45, इसका मीडियम कितना है 45। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्लास इंटरवल और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसकी सी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं 42 एज दिस लिख देंगे पहले तो, ठीक है 42 में 30 ऐड करेंगे कितना जाएगा 72, 72 में 50 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में 2 और 7 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 यानी कि 122, 122 में 22 ऐड करेंगे कितना जाएगा 144, फिर इसमें 8 ऐड कर देंगे, ठीक है तो देखो पहले इसमें 6 से ऐड कर लेते हैं कितना हो जाएगा 150, अब यहाँ से कितना बचा 2,
तो कितना आ जाएगा अपने पास में 152 में 5 ऐड करेंगे कितना जाएगा 157। तो ये तो हो गया अपनी सी एफ की वैल्यू, यानी कि यहां से कैपिटल एन की वैल्यू भी कितनी मिलेगी अपने को 157। अब यहां पर सबसे पहले अपन एन बाई टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एन बाई टू की वैल्यू कितनी आएगी 157 डिवाइडेड बाई टू, कितना मिलेगा अपने को यहां से देखो 7 × 2 = 14 होता है, यानी कि 7 टाइम डिवाइड हुआ कितना बचा 1, वहां पर आ गया अपने पास 17, यानी कि 8 × 2 = 16, फिर कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगाया तो 10 बन गया यानी कि 5, 78.5 टाइम इसका डिवाइड हुआ। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, हियर एन बाई टू, एन बाई टू की वैल्यू यहां से अपने कैलकुलेट कर लीजिए कितनी मिली 78.5। सी एफ जस्ट अबाउ, सी एफ की वैल्यू देखेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की किससे जस्ट बड़ी 78.5 से, कितनी है देखो यहाँ पे कितनी मिल रही 78.5 से बड़ी वाली वैल्यू 122 यही है, ठीक है, होज करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, जिसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल यहाँ देखेंगे अपने को ये वाला मिलेगा 16 से 24, यानी कि यहाँ से एल की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 16, एफ की वैल्यू कितनी मिली 50 और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी सी एफ से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू ये रही, ठीक है 72 सी की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, और एच की वैल्यू कितनी मिलेगी 8, कितना यहाँ से डिफरेंस कितना है 8 का डिफरेंस है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, वैल्यूज पुट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1.04, 16 में ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 17.04, ये इसका हो जाएगा मीडियन। तो इस तरीके से आपकी ये 17.7 कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।